नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के पांचवें और सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम ने 135 रन पर एक विकेट के पहले दिन के स्कोर से आगे खेलना शुरू कर दिया। जहां पर रोहित शर्मा 52 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे तो वही उनके साथ शुभमन गिल 26 रन बनाकर खड़े थे। और फिर इस दूसरे दिन की शुरुआत भी भारतीय टीम के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने धमाकेदार अंदाज से की। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल भारतीय टीम के लिए एक ऐतिहासिक पारी खेल रहे थे। खास करके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस दूसरे दिन भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे तो वही शुभमन गिल ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स अब इस मुकाबले में पूरी तरह बैक फुट पर दिख रहे थे। इंग्लैंड के सबसे महान गेंदबाज जेम्स एंडरसन को तो शुभमन गिल ने खासा आड़े हाथों लिया था और फिर इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। अब इंग्लैंड की गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में थी और फिर इसी बीच शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। शुभमन गिल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की इस शानदार बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया था। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल को अब आउट करना लगभग नामुमकिन ही लगने लगा था। कप्तान बेन स्टोक्स अपनी गेंदबाजी में लगातार बदलाव कर रहे थे लेकिन इस साझेदारी को तोड़ना अब मुश्किल हो चुका था। अब भारतीय टीम इंग्लैंड की पहली पारी के स्कोर से आगे निकल चुकी थी और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब दोनों ही खिलाड़ी अपने इस मुकाबले में ऐतिहासिक शतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ चुके थे। पूरा स्टेडियम शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा की यह बल्लेबाजी देखकर हैरान था। इंग्लैंड की गेंदबाजी ने इन दोनों के सामने घुटने टेक दिए थे और फिर इसी बीच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपना इस मुकाबले में गजब का शतक पूरा कर लिया। सभी ने रोहित शर्मा की इस कप्तानी पारी के लिए खड़े होकर तालियां बजाई तो वही उनके तुरंत ही बाद दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने भी एक शानदार चौका लगाते हुए अपना अद्भुत शतक पूरा कर लिया। दोनों की इन शतकीय पारियों ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर भारतीय टीम को 275 रनों तक पहुंचा दिया था तो वही इन दोनों के बीच 171 रनों की साझेदारी भी बन चुकी थी। लेकिन तभी लंबे अंतराल के बाद टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी डालने खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स आए और बेन स्टोक्स ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 162 गेंदों में 103 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा ने अपना काम बखूबी कर दिया था। इस कप्तानी पारी ने भारतीय टीम को इंग्लैंड से काफी आगे पहुंचा दिया था। अब विकेट गिरने के बाद अपने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट करियर का डेब्यू कर रहे देवदत्त पडिक्कल मैदान में उतरे लेकिन तभी उनके साथी खिलाड़ी और भारतीय टीम के दूसरे शतकवीर शुभमन गिल को जेम्स एंडरसन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल 150 गेंदों में 110 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने अपने दोनों ही शतकवीरों को एक के बाद एक खो दिया था। अब यहां से इंग्लैंड को वापसी करने का एक बढ़िया मौका मिल चुका था लेकिन अब मैदान पर सरफराज खान आ चुके थे और फिर यहां से सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल ने भारतीय पारी को संभाल लिया और दो लगातार झटकों के बाद डगमगा रही भारतीय टीम को फिर एक बार उसी रन गति से आगे बढ़ाया। इंग्लैंड की गेंदबाजी भारतीय टीम को अब वापसी करने का कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी लेकिन ऐसे में सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल की जोड़ी ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई और फिर एक बार एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी कर दी। इसी शानदार बल्लेबाजी ने कप्तान बेन स्टोक्स को फिर एक बार परेशानी में डाल दिया था। इसी बीच दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल की इस बल्लेबाजी ने इंग्लैंड की गेंदबाजी को फिर एक बार दबाव में डाल दिया था तो वही इसी बीच सरफराज खान ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोनों की यह साझेदारी अब 97 रनों की हो चुकी थी। भारतीय टीम की बढ़त 158 रनों की हो चुकी थी लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए शोएब बशीर ने सेट हो चुके सरफराज खान को जो रूट के हाथों कैच आउट कर दिया। सरफराज खान 60 गेंद में 56 रन बनाकर आउट हो गए। सरफराज खान एक बड़ी पारी खेलने के मौके से चूक गए थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी कर ली थी लेकिन अब विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे
और फिर नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर अपने टेस्ट डेब्यू में बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पडिक्कल ने एक गजब का छक्का लगाकर अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मुकाबले में एक अद्भुत अर्धशतक पूरा कर लिया। देवदत्त पडिक्कल की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने सभी का दिल जीत लिया था। तो वहीं अब भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 400 का आंकड़ा भी पार कर लिया था, लेकिन तभी अर्धशतक लगाने वाले देवदत्त पडिक्कल को भी इसी बीच शोएब बशीर ने क्लीन बोल्ड कर दिया। देवदत्त पडिक्कल 103 गेंदों में 65 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाजी धीरे धीरे इस मुकाबले में अपनी टीम की वापसी करवा रही थी। अब विकेट गिरने के बाद चौथे टेस्ट मुकाबले के हीरो ध्रुव जुरेल मैदान में उतरे और फिर ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा ने मिलकर भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए शोएब बशीर की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ध्रुव जुरेल बेन डकैट के हाथों कैच आउट हो गए। ध्रुव जुरेल 24 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम का निचला क्रम कमजोर पड़ रहा था। इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाजी अब भारतीय बल्लेबाजी पर हावी हो चुकी थी। अब विकेट गिरने के बाद रविचंद्रन अश्विन मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा को भी टॉम हार्डली ने LBW आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा 50 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा का एक बड़ा विकेट एक महत्वपूर्ण समय पर निकालकर इंग्लैंड की गेंदबाजी ने अब वापसी कर ली थी। अब कुलदीप यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी रविचंद्रन अश्विन को भी टॉम हार्डली ने क्लीन बोल्ड कर दिया। रविचंद्रन अश्विन अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मुकाबले में बिना खाता खोल ही आउट हो गए। अब भारतीय टीम के केवल दो ही विकेट बचे थे। मैदान में जसप्रीत बुमराह उतर चुके थे। अब इंग्लैंड की टीम ने सोच लिया था कि भारतीय पारी का अब अंत बहुत ही नजदीक है, लेकिन मैदान में बल्लेबाजी कर रहे कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को तो कुछ और ही मंजूर था। और इंग्लैंड की आग उगल रही गेंदबाजी के सामने कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने ऐसी लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई जिस तरह की बल्लेबाजी खुद पूरी इंग्लैंड की टीम भी नहीं कर पाई थी। खास करके कुलदीप यादव ऐसे आकर्षक शॉट खेल रहे थे जिसने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के तक होश उड़ा दिए थे। तो वहीं दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह भी उनसे ताल से ताल मिला रहे थे। दोनों की यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी और जो भारतीय टीम की पहली पारी इस दूसरे दिन ही खत्म होती दिख रही थी, उस भारतीय पारी को इस दूसरे दिन के अंत तक कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने संभाल कर रखा और 45 रनों की शानदार साझेदारी बनाकर इस दूसरे दिन के अंत तक जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने भारतीय टीम को 473 रनों पर पहुंचा दिया है। भारतीय टीम के अब 8 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन भारतीय टीम ने अब इंग्लैंड की टीम के ऊपर 255 रनों की एक विशाल बढ़त बना ली है। लेकिन अंत में जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव की बल्लेबाजी ने इंग्लैंड की टीम को अब और भी ज्यादा इस मुकाबले में पीछे धकेल दिया है। लेकिन दोस्तों, इस दूसरे दिन में भारतीय टीम की बल्लेबाजी के दो हीरो रहे। पहले थे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और दूसरे शुभमन गिल। इन दोनों ने ही इस दूसरे दिन के खेल में दो गजब के शतक लगाकर इस टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन ही भारतीय टीम को अब लगभग जीता दिया है। कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 103 रनों की लाजवाब कप्तानी पारी खेली, तो वही शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी बढ़त बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आप इन दो शतकवीरों को उनकी इस अद्भुत पारियों के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।